जाने पर रेड दिखती है और छांव में जाने पर ब्लैक। और काफी लेट आए हैं हम लोग, और तो ये जगह देख लो, जिम वही है बस जगह चेंज हो गए हैं। तो ये देख रहे हो, तो ये है मेरी फेवरेट मुर्कू। एक्चुअली इसको बनाया कैसे जाता है, हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अदर फ्रेश व्लॉग। तो गाइस ये व्लॉग कर रहे हैं आफ्टर शादी के बाद, वहां से आए 10 दिन हो गया, तो 10 दिन बाद इस व्लॉग कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की व्लॉग रहेगा सिंपल दिनचर्या वाला, आज चलेंगे कॉलेज और देखना आपको जरूर मजा आएगा, ठीक है। तो अभी तो सुबह उठ गया हूँ मैं, और बताऊँ तो मेरा रनिंग का शेड्यूल बिल्कुल भी बंद है। आफ्टर ऑल मेरे को 1.5-2 महीना हो गया मैं रनिंग के लिए जा भी नहीं रहा हूँ। हाँ, जिम मैंने चालू कर दिया, ठीक है, अभी बट रनिंग के लिए क्या है, एक्चुअली 2 दिन पहले ना एकदम तैयारी के साथ उठा मैं, उठ भी गया था कि अब जाना है, मतलब जाना है करके, बट हुआ ये कि सुबह से मेरा पैर जो है चोटिल हो गया और थोड़ा सा ब्लड वर्ड वगैरह आ गया, थोड़ा चोट लग गई, तो इस नाम से अभी पैर में थोड़ा हल्का चोट लगा है ना, इस नाम से रनिंग के लिए भी नहीं जा रहे हैं। बट रनिंग के लिए जाना चाहिए, वो काफ़ी अच्छा चीज़ है, जाएंगे जरूर, जल्दी मेरा पैर रिपेयर होगा फिर चलेंगे। बाय द वे, मम्मी अभी बना रही है चटनी फॉर द रोटी, नाश्ता बना रहे इसमें रोटी। सो गाइस, टाइम हो रहा है 8, ठीक है, और जस्ट अभी तो थोड़ी देर पहले मैं नहाने के लिए जाने वाला था, बट अभी सर ने कॉल किया था हमारे, और फिर उधर से तड़कती भड़कती न्यूज़ आ रही है कि सर जो है, मतलब सर लोग हमारे ब्रांच के जो है वो ऑफिस वर्क में बिजी हैं, तो अभी क्लासेस नहीं हो पाएंगी आफ्टर 15 तारीख के बाद, तो यही सीन है, इसलिए आज का कॉलेज जाना अब कैंसिल हो गया। तो अभी तो अब मैं सबसे पहले नाश्ता करूंगा, रोटी जो कि मम्मी ने बना दी है आपको पता ही होगा, तो नाश्ता करेंगे, देन उसके बाद अब हेयर कलर करूंगा मैं, क्योंकि मेरे बाल भी है जो है उम्र से पहले पकते हैं, बट अब क्या कर सकते हैं यार, उसमें अपना बस तो चलता नहीं है ना, इसलिए अब हेयर कलर करूंगा बस मैं, सबसे पहले अभी तो नाश्ता करूंगा। सो भी गाइस, देख लो मैंने जो है अपना हेयर कलर किया है, और देन उस पर वही निशा मेहंदी लगाई है, तो अब जल्दी से नहा के मिलते हैं, ठीक है। सभी गाइस देख लो, मैं जो है नहा लिया, ठीक है, और जस्ट अभी नहाया, और बाल देख लो कलर हो गई है एकदम बढ़िया से, तो वही मैजिकल कलर किए मैंने भी अपनी निशा मेहंदी वाली, तो जो धूप में आने पर रेड दिखती है और छांव में जाने पर ब्लैक, तो ये वाली है, और इस बार काफ़ी अच्छी सी हुई है ऐसा लग रहा है मेरे को, अब देखते हैं कि ये टिकता कितने दिन है करके। सो फाइनली अभी तो नहा लिया, और इन सब में ना एक्चुअली इसको लगाने के बाद इसको सुखाने तक का काफ़ी टाइम हो गया, इसी बीच में मैं इसके सूखते तक का लिटिल पावर स्नैप भी ले लिया, तो अभी 11:30 के आसपास टाइम हो रहा है, देन सभी गाइस फाइनली तो नहा लिया मैं, और भूख तो अभी नहीं लग रही है, और शॉप पर तो है अभी मम्मी लोग, और ये लड़की आई है, सुनाई है नहा रहे सो गाइस, देख रहे हो ये है पानी, बट इसके लिए तो ना मेरा आमा जूस पीवे, आमा जूस देख भे मैं पिया था, पानी नो है जी, आमा जूस है, आमा जूस है, वाह पानी नो है कि बेटा बेटा रे एकांश बाबू उठ जा बेटा, देख तो व्लॉग बना थो रे, उठ तो 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 एकांशु गुल 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 गुल। सो गाइस, इसी प्रकार से बस अपनी ऐठन लेते रहता है, उठता नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा है। बाय द वे इसका नाम एकांशु अभी हम लोग प्यार से बुलाते हैं, और फाइनल नाम वाला कार्यक्रम जल्दी होने वाला है, तो उसका ब्लॉग आपको मिल जाएगा चैनल पे। हट्टे मक्खी आ जा रही है बार बार, बैठो 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 बैठो, देख रहे हो इसको उठाने पर भी नहीं उठता है। और अभी गाइस टाइम हो रहा है 12, तो अभी खाना खाने का टाइम हो चुका है, तो मम्मी का आज उपवास है, बट देसा और मैं खाएंगे खाना, भिंडी की सब्जी आज, तो अभी खाएंगे खाना। सो अभी गाइस टाइम हो रहा है 2, और देन अभी तो मैं शॉप को क्लोज करने वाला हूँ, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और दोपहर में कोई आता भी नहीं, ब्राइटनेस लेवल देख रहे हो कुछ नहीं दिख रहा, तो ये सब गर्मी का कमाल है, दोपहर में कोई नहीं आता ना तो बोर लगता है, और बहुत ज़्यादा तो गर्मी लगती है सबसे ज़्यादा, तो पता है अभी सीन क्या हुआ, मैं ना खाना खाने के बाद मस्त मूवी डाउनलोड पर लगा दिया,
क्यों हो रहा है मूवी करके। देन उसके बाद मूवी फाइनली डाउनलोड हो गई और ये कुछ 1 GB का था। फिर डाउनलोड होने के बाद पता चलते वो तो उसका PDF फाइल है। फिर माय रिएक्शन वाज सीरियसली सॉरी। तो थोड़ा सा माइंड थोड़ा अपसेट हो गया, मूवी भी डाउनलोड नहीं हो। देन ये अपना पेट्रोल वाला सीन था सभी। गाइस आ गए हैं रूम में। देन यहाँ अपनी चल रही, सामने कूलर, हमारे घर में एक ही कूलर है। और सोने वाले देख लो, मैं, देविशा और मम्मी और सबको कूलर के सामने ही सोना है, तो इसके लिए काफ़ी झगड़ा झंझट होता है अभी। तो अभी गाइस जो है शाम के बज रहे हैं 5 और देन अभी मैंने कूलर बंद किया और बताओ मैं यहीं 5 लेटा था और मम्मी लोग टूट के चले गए और मैं बिल्कुल भी नहीं सोया। तो मैं कर कहा रहा था, मैं गाइस मूवी इंजॉय, एक्चुअली वेब सीरीज इंजॉय कर रहा था, मार्वल की मून नाइट। तो उसका मैंने अभी 4 एपिसोड देखे क्योंकि वही 4 ही डाउनलोड किए थे मैंने और 4 बहुत ज़बरदस्त, मतलब एकदम मौसम। मून नाइट की जो सीरीज है मेरे को काफ़ी अच्छी लगी और कहानी काफ़ी पेचीदा और टेढ़ी मेढ़ी चलती है। इस सीरीज को देखने के लिए आपको मार्वल का फैन होना कोई ज़रूरी नहीं है, ये कहानी बिल्कुल डिफरेंट चलती है, मतलब ज़्यादा मार्वल की नॉलेज नहीं है फिर भी। तो मैं तो ट्रूली फैन हूँ मार्वल का, तो इसलिए अटेंड कर रहा हूँ। काफ़ी ज़बरदस्त, अभी 4 एपिसोड में तो आया हूँ, अब बाकी देखेंगे। अब फिलहाल तो अभी फ़ोन को करना है चार्ज और शाम हो गई है तो जिम भी जाना है और फ़ोन की बैटरी पूरी उतर गई है, ओनली 2% है। तो देख लो कितना आतंक मचाता हूँ मैं भी, जब देखने लग जाता हूँ ना मेरा रुकने का मन बिल्कुल नहीं करता। सो गाइस इट्स टाइम ऑफ 5:30 एंड गोइंग फॉर जिम, प्रिपेयरिंग माय चप्पल। सो भी गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 6, देन फाइनली अभी जिम पहुंच चुका हूं। और एक बात बता दूं कि जिम जो है हमारा जिम शिफ्ट हो चुका है, तो ये एक्चुअली ये वाला है जो अपना वो भाटापारा रोड है सुहेला का। तो पहले हिरमी वाले रोड पर था जिम सुहेला से, अब जगह चेंज हो गया है जिम का, तो अभी नीचे आ गया है और नीचे फिर अब नया शिपमेंट के साथ नया जगह, नया कुछ कुछ सामान लगा है, तो वो न्यू जिम दिखला देता हूँ फिलहाल। सो गाइस इस तरफ से सुहेला से आने के बाद ये भाटापारा रोड है, देन नीचे है अपना न्यू जिम शिफ्ट हुआ है और काफ़ी लेट आए हैं हम लोग। और तो ये जगह देख लो, जिम वही है बस जगह चेंज हो गए हैं, जैसे कि ये वाला मशीन जो है न्यू लगा है और ये वाला मशीन न्यू लगा है और ये वाला मशीन और ये वाला भी, और ये तो अपना पुराना वाला है। देन अपना ये वाला मशीन भी है वो न्यू लगा है, ये वाला मशीन भी न्यू लगा है। तो गाइस देन ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट हुआ जिम, आपने देख लिया साउंड बज रहा है ना, क्या करें। तो आज एक और करेंगे ट्राइसेप का। वाले हैं, देन आज का वर्कआउट हो गया और टुडेस वर्कआउट इज डन, ट्राइसेप वाला किया आपने जैसा भी देख लिए। तो ये है नया जिम, इस जगह शिफ्ट हुआ तो हमको काफ़ी सारा ज़्यादा ह्यूज एरिया मिल गया। तो फाइनली हम लोग को यशवंत और मैं आते हैं और बाकी लोगों का भी चल रहा है एक्सरसाइज, तो अब चलते हैं सीधा घर। गाइस वी आर बैक टू होम और मम्मी को पास है, देसा ने खाना खा लिया। तो अभी पता है क्या 9 बज गए, तो शॉप भी क्लोज कर दी मैंने। तो आए उसके बाद मैं अपने भतीजा छोटा दादू है ना उसके पास चला गया था। तो ये देख रहे हो, तो ये है मेरी फेवरेट मुर्गू। एक्चुअली इसको बनाया कैसे जाता है, जो चावल बचा होता है उसको वेस्ट नहीं जाने देते, उसको ऐसा बड़ी ग्रुप में हल्का नमक और मिर्च मिला के ऐसा बड़ी बना देते हैं और सुखा देते हैं। फिर उसके बाद ये मुर्गू जो है बन के रेडी हो जाते हैं, जो कि होता है काफ़ी टेस्टी और चावल भी अपना वेस्ट नहीं जाता। और ये है मेरा फ्राइड राइस, तो अभी वही खाऊंगा मैं। सभी गाइस रात के बज रहे 10, देन फाइनली अभी सोने वाला हूँ मैं खाना वाना खा के। तो एक्चुअली यही पास मम्मी के पास और हमें कूलर के सामने, और देविशा गई है बड़ी मम्मी के यहाँ सोने के लिए। देख रहे हो, बोलो कि ना इतना बड़ा हो गया फिर भी मम्मी के पास होता है, तो माँ माँ होती है, ठीक है। तो मज़ा आता है यार, मम्मी के साथ सोने में कोई दिक्कत नहीं है और कूलर के सामने मस्त ठंडे ठंडे हुआ, ठीक है। तो होप यू गाइस इंजॉय दिस व्लॉग, मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट और ऑसम से व्लॉग में। तब तक लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो शेयर करना। मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट और ऑसम से व्लॉग में, ठीक है।
बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग है ना, बाय।